पंजाबी भाषा नूं प्यार करन वाले श्रोतियां दा तहे दिलों धन्नवाद। अज तुसीं सुणोगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी द्वारा लिखी किताब माला मन के भाग दूजा। किसी की खुशी विच शामिल होवे ना होवे, दुख विच नाल खड़ोवे, यह कहण विच कदे नहीं झिझकना चाहीदा कि गलती हो गई है। लोग तुहाडी गलती दा नुक्स भुल जाणगे, पर तुहाडे वल्लों अपनी गलती मनण दे गुण नूं याद रखणगे। अपने अधीन कर्मचारी ना बदलो, कम दा माहौल बदलो। अकेमा ते वेलापन मनुख नूं खोर दिंदे हन, इस लई कई सेवा मुक्ति उपरंत भी कुछ करदे रहिंदे हन, पैसे लई नहीं रुझेवें लई। सही अर्थां विच पढ़िया लिखिया होरां दे विचारां नूं स्वीकारन तों बिना भी होरां नाल सद्भावना नाल विचर सकदा है। उही मुस्कुराहट भरोसेयोग हुंदी है जिहड़ी इक सार होवे, बुलां दे दोहां कोनियां दे बराबर होवे। टेढ़ी तिरछी जां इक पासे वाली मुस्कुराहट व्यंग अते नफरत प्रगटाउंदी है। सोहणे लोकां ते वधेरे इतवार कीता जांदा है, इह सोहणे होण दी रियायत हुंदी है। सोहनी इसत्री नूं हर कोई लिफ्ट देवेगा, मदद करेगा, डुबदी नूं पहलां बचावेगा, विआह पहलां होवेगा। सोहणियां नूं कई रायतां बिन मंगे ही दित्तियां जांदियां हन। कमाईयां पुरश करदे हन, पर अर्थचारे नूं चलाउंदियां इसत्रियां हन। जिहड़े पुरश बाजार जांदे हन, उह इसत्रियां वल्लों भेजे जांदे हन अते इसत्रियां वल्लों दित्तियां सूचियां विच दर्ज चीज़ां खरीददे हन। घर दा मालक पुरश हुंदा है, पर घर चलाउंदी इसत्री है। साढ़े तोहफे की कोई किवें वरतों करता है, यह उसकी मर्जी हुंदी है। प्यार की कविता उदों लिखनी चाहीदी है जदों कवि प्यार दे अनुभव विचों लंघ रहा होवे। यह कविता सोधनी उदों चाहीदी है जदों उसका तलाक का मुकदमा चल रहा होवे। इस कारण कोई कोई काव्य संग्रह छपेगा, सो कवियां अते पाठकां दोहां नूं लाभ होवेगा। पीढ़ियां दा पाड़ा मनोविज्ञानक नालों आर्थिक वधेरे हुंदा है। अनुभव दा नतीजा नहीं निकलदा, अनुभव आप नतीजा हुंदा है। सरकार उह चंगी हुंदी है जिस अधीन सारे साडे विच शरीरक, बौद्धिक, समाजिक अते आर्थिक विकास वापरे। सारा जीवन पिंड विच रहण करके मनुख हौली चाल अते कैरी सोच दा आदी हो जांदा है। अजिहा व्यक्ति भावें पिंडों निकल आवे, पिंड उस विचों नहीं निकलदा। ऐसी नमकीन चीज़ां दे कितने भी चाहवान होइए, ऐसी हलवे अते जलेबियां विच लून दी मंग नहीं करदे। चंगा अध्यापक स्पार्क प्लग हुंदा है, पेट्रोल दी पाइप नहीं। जे चुप रहोगे किसी गल की व्याख्या नहीं देनी पेगी, पर जे हर वेले चुप रहोगे कोई ध्यान नहीं देवेगा। अक्सर हर देश का उत्तरी भाग नवे प्रयोग करता है अते दक्षणी भाग परंपरा पालता है। जीवन पद्धर दे सुधरन अते खुशहाली आउण नाल हरेक समाज विच परिवार का आकार घटता है। ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। समारोह अते समागम आम लोगों को प्रभावित करने लई हुंदे हन, विशेष लोगों लई सैमीनार हुंदे हन। सियाणे आगुआं नालों उत्साही आगू वधेरे प्रभावशाली हुंदे हन। जदों मन खिड़िया होया होवे हर कोई सोहना लगदा है। इस्त्रियां पेके जाके, विद्यार्थी घर जाके, नौकर ब्याह जा के वापस मुड़न विच अक्सर देर कर देंदे हन। कारण यह हुंदा है कि इन्हां थावां ते उह दिन दिल नाल गिणदे हन, दिमाग नाल नहीं। हुण मनुख अजिहियां मूर्खतावां ते बेईमानियां करन लग पिया है जिन्हां नूं समझण लई कंप्यूटर चाहीदे हुंदे हन।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਲੂ ਬਣਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੋਝ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੱਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਧ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਠੂਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮਾਂ ਬਾਗਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਕਬਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਨਾ ਜਾਈਂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਪਿਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੁਨਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਸੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਘੇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰਤ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਧੂਫ ਜਗਾ ਕੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਔਰਤ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੀ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਤਲ ਕਰੋ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਬਕਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਸੰਕਲਪ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋ ਪੂਰਨ ਭਾਂਤ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਪੂ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
धर्म विच परपक्क लोग दयालु नहीं हुंदे, इहो धर्म प्रति किसी की अणगहली कारण उस नूं सज़ा देण दे पक्ष विच हुंदे हन। प्रेमी प्रेमिका सुतंत्र एक दूजे के बंधन विच ही महसूस करते हैं। जिस विद्यक संस्था विच विभिन्न खेत्रां विचों विद्यार्थी दाखल हुंदे हन, उह संस्था उतने वधेरे योग माहिर पैदा करती है। जिथे इको जिहे पिछोकड़ वाले विद्यार्थी दाखल हुंदे हन, उत्थे बहुता कार्ज नकल मारन अते दोहराउण दा हुंदा है। मछेरियां वांग खतरे वाले काम करन वाले पुरशां दीआं पत्नियां भी दलेर सुतंत्र अते साहसी हो जांदीआं हन। खेडां भी धर्म विचों उपजीआं हन। पुरातन ओलंपिक खेडां 4 सालां मगरों होण वाले धार्मिक त्यौहार दा भाग सन। पूजा दे नियमां तों ही खेडां दे नियम बणे हन। मिशाल धार्मिक चिन्ह होया करदी सी, जिहड़ी उत्सव दे चलदिआं निरंतर जगदी रहिंदी सी। जदों कैदी शांत चित नाल जलाद वल वेखदा है तां जलाद समझ जांदा है कि इह जुलम सहन लई तैयार है। दोस्त सामने अपने मजबूत होण दा माण नहीं हुंदा ते अपने कमजोर होण दी शर्म नहीं आउंदी। खतरे विच सलीका बनाई रखना संभव नहीं हुंदा, पर केवल फ्रांसीसी हन जिहड़े बनाई रखदे हन। जदों किसी विषय का विस्थार विच अध्ययन करोगे तो उस दीआं जड़ां फैलदियां फैलदियां कई विषयां विच चलियां जाणगियां। इसे नूं ज्ञान दा पसारा कहिंदे हन। जिस अदारे विच तानाशाही होवेगी उत्थे सुतंत्र सोच नहीं उपजेगी, उत्थे चापलूस अते झोली चुक ही उपजणगे। जिथे लोकतंत्रक वर्तारा हुंदा है उत्थे विचार वटांदरा दिलचस्प हुंदा है अते उत्थे ही नवीआं विउंतां अते नवीआं सोचां उपजदियां हन। सूचना तकनोलॉजी ने ज्ञान के नवे भंडार प्रसारण और प्राप्ति दीआं नवीआं विधियां उपजा के यूनीवर्सिटियां का महत्व घटा दिता है। यूनीवर्सिटियां के प्रभाव घटन नाल प्रोफैसरां का ही प्रभाव नहीं घटिया, पढ़न का रंग रूप भी बदल गया है। धर्म नूं चमकाउण लई अंधविश्वासी हनेरे की लोड़ हुंदी है। अमरीका विच किसी रौनक वाली थान जाओ, इवें लगेगा जिवें कोई नाटक हो रहा है। हर किसी ने वखरा लिबास पाया हुंदा है ते वखरी किस्म की शकल सूरत बनाई हुंदी है। भरोसे दे अर्थ भविख तो हन। सानू भरोसे कारण भविख तो डर नहीं लगता। बीमा भरोसा उपजाउंदा है कि कुछ वापरन दे बावजूद परिवार दा जीवन लई तो नहीं उतरेगा। मकान उसारना, बचत करना, रिश्तियां दा निर्माण करना आदि भविख विच भरोसा प्रगटाउण दे रूप हन। जिहड़े नास्तिक हुंदे हन उह आस्तिकां दे धार्मिक विहार नूं वेख के ही नास्तिक बने हुंदे हन। अमरीका विच किसी ने ऐलान किया कि संसार 23 सितंबर नूं मुक जाएगा। एक स्त्री 23 सितंबर नूं उड़ीकण लग पई। उसके पोते ने उसनूं 22 सितंबर नूं दस्या, दादी आस्ट्रेलिया विच 23 सितंबर हो गया है, कुछ नहीं वापरिया। पूजा डर नूं काबू करन लई कीती जांदी है। जे तुसीं हर रोज़ मीह पैण लई अरदास करोगे तां इक दिन मीह पै ही जाएगा। जे तुसीं हर रोज़ मीह रुकण लई अरदास करोगे तां मीह आखर रुक ही जाएगा। पर पाठ पूजा ते अरदासां तों बिना भी मीह पैंदा है ते आपे रुक भी जांदा है। कई धार्मिक होण दे बावजूद सियाणे हुंदे हन। कोई धार्मिक संप्रदाय जितनी घट तर्कशील हुंदी है उतने ही उसके पैरोकार वध होणगे, क्योंकि समाज के बहुते लोगों की कोई सोच नहीं हुंदी। विज्ञान विच एक दूजे की दलील सुन के विज्ञानी अक्सर कहिंदे हन, हाँ तुसी सही हो, मैं गलत हाँ। इस उपरंत उह सचमुच दूजे की दलील की रोशनी विच अपना सिद्धांत बदल लैंदे हन। पर सियासत अते धर्म विच इवें कदे नहीं वापरदा। विश्वास सोचण तों बचण दा इक उपराला हुंदा है। जदों इक दस्ताना जां इक जुराब गुआच जावे तां दूजी काम नहीं आउंदी, पर जदों इक सुट देओगे अक्सर दूजी लभ पएगी। धर्म ने मुढ विच विज्ञान नूं कुचलण दा यतन बड़ा किया सी, पर हथियार पुराने अते खुंडे होण करके सफलता नहीं सी मिली।
आस्तिक कहते हैं कि रब नूं जाणिया नहीं जा सकता, पर वह फिर भी रब विच विश्वास करते हैं। असलियत यह है कि आस्तिकां नूं पता ही नहीं कि वह की कर रहे हैं। रब लई सही यही है कि वह लुकिया ही रहे। प्यार विच जिहड़ी तेरा अपना इरादा स्पष्ट कर देवे, वह तेरे दूजे की इच्छा नहीं बनती। दूजे नाल सुखामे संबंध उसारन लई उन्हां नाल खाणा खाओ। हुंदे शहरी आप हासोहीणे हन, पिंडियों नूं मूर्ख समझदे हन। पिंडां विच शहरी अक्सर निरोल मूर्खां वाला विहार करदे हन। वरतों विच सुखामे चीज़ां ही टिकदियां हन। जिहड़ियां चीज़ां वरतों विच सुखामियां ते सुखालियां नहीं हुंदियां, उह बदलदियां रहिंदियां हन। फैशन इसे लई बदलदे हन। आम सधारण लोगों नूं ज्ञान बहुत ही दूर नहीं लै जा सकता। बहुते लोग अकल नाल ही काम सारदे हन। अखां कन्नां हत्थां नाल अकल प्राप्त हुंदी है, जदों कि ज्ञान पुस्तकां अध्यापकां संकल्पां फार्मूलियां तों प्राप्त हुंदा है। ज्ञान नालों अकल व्यापक वरतारा है। अकल कारण ही अनपढ़ लोग भी बड़ा सार्थक जीवन गुजारदे हन। फैसला करना चाहते हो नहीं रहा, यह जा ओह फैसला करने लई एक सिक्का हवा विच उछालो। सिक्का उछल के थले डिगन तो पहला तुहाडा मन फैसला कर देवेगा। कई लोग समझते हैं कि महंगी घड़ी नाल ना केवल वक्त कीमती हो जाएगा, सगों यह चलेगा भी उन्हां दी मर्जी अनुसार। जिंदगी मानन लई उत्थे जाओ जिथे नफे नुकसान की चिंता ना होवे। समाजिक गलबात दे पंज मुख विशे हुंदे हन, जीवन, प्यार, रोजगार, मौसम अते मौत। गरीबां दी रसोई विच चीज़ां बनदियां थोड़ियां हन, पर खादियां वधेरे स्वाद, दिलचस्पी अते विश्वास नाल जांदियां हन। जी होरां नूं अपना अजिहा उदेश दसोंगे जिहड़ा उन्हां दीआं प्राप्तियां तों वड्डा होवेगा, तां भारत विच उह सहयोग नहीं देणगे। हर संभव ढंग नाल हरेक प्रकार दा विघन पाउणगे। इस्त्रियां नूं कसरत करन दी आदत खेड मुकाबलियां ने पाई है। पतलून पहनण दा रिवाज उदों पिया जदों सवारी लई घोड़ा वरत्या जांदा सी। मनुख ने जदों साइकल वरतनी आरंभी तां यूरप विच इस्त्रियां भी पतलून पाउण लग पईआं सन। 40 साल दी उम्र उपरंत किता बदलना संभव नहीं हुंदा। डर दा उदेश डराउणा नहीं हुंदा, सावधान करना हुंदा है। कई बारी सही सड़क तो मिल जाती है, पर मौके वाला मोड़ नहीं आता। आसमान नूं साफ करन दा कारज हनेरी करती है। संसार किसी नाल सफलता का वादा नहीं करता, ना ही किसी नूं असफलता की धमकी दिंदा है। अध्यापकां दीआं गल्लां तां सारे विद्यार्थी करते ही हैं। सब कुछ विद्यार्थी भी हुंदे हन जिन्हां दीआं गल्लां अध्यापक करते हैं। कोई कितना चंगा माड़ा है, वेखो शिकायतां कितनियां लाउंदा है, हसदा कितना है, नुक्स कितने छांटदा है, पसंद कितनियां नूं करदा है, इतराज कितने करदा है, उसका अपना विहार किहो जिहा है, निंदिया कितनी करदा है, प्रशंसा किसदी करदा है। जदों मनपसंद काम मिल जावे तां किसी होर खेत्र विच जाण बारे सोचना बंद हो जांदा है। मनपसंद काम नाल ही निर्णय हो जांदा है कि मुल्लवान की है। पैसा के प्रसन्नता, प्रसन्नता नाल ही किते काम नाल पैसे दे ढेर लग जांदे हन। सफल व्यक्तियों ने वधेरे हारां दा सामना किया हुंदा है, पर वह अपनी असफलतावां दीआं गल्लां नहीं करदे, सबक सिखदे हन। होरां दी मदद करोगे जिंदगी मिश्रित व्याज देवेगी। जीवन विच जिन्हां ने असफलतावां दा सामना नहीं किया हुंदा, उन्हां दी सफलता बनावटी हुंदी है। सियाणे बंदे अपना टैलीफोन नंबर नहीं बदलते, जिहड़े बदलते हन उह अक्सर भरोसे योग नहीं हुंदे, उह किसी हंडनसार रिश्ते दे योग नहीं हुंदे। उह किहड़ा कारज है जिहड़ा तुसीं उजरत मिले ना मिले तां वी करना पसंद करोगे, उही कारज करो। आधुनिक अते विज्ञानक ढंग नाल करो, उजरत मिलेगी, वधेरे मिलेगी।
ਚੰਗਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਤਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਜੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੋਬ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ।